ऐसे तो हम सभी लोग अपना जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कभी किसी चीज़ के पे विचार ले जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे मन चला जाता है कि ये करना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन योग में अगर आप एक मुद्रा है, क्षणमुखी मुद्रा इसको कहते हैं, योगियों का ये मानना है कि मन भटकाव में क्यों जाता है, सुनने से, देखने से, सूंघने से, बोलने से। तो ये अगर छः द्वारों को आप बंद कर देते हैं और श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो आपकी जो फोकस पावर है, जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ही प्रबल हो जाती है। उससे डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही सटीक होता है। जो आप करना चाहते हैं जीवन में वो आप कर पाते हैं। आइए देखिए क्षणमुखी मुद्रा कैसे की जाती है। कानों को अंगूठों से बंद कर देते हैं, सीधे होकर बैठ जाते हैं, पहली उंगलियों को आँखों के ऊपर बिना ज़्यादा कोई प्रेशर डाले हुए, मध्यम उंगलियों से नासिका को थोड़ा सा आधा हाफ क्लोज करते हैं, बाकी वाली उंगलियों को होठों पे और टुड्डी पे रखते हैं, सीधे होकर बैठते हैं, पोस्चर आपका सीधा रहता है, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। इस क्षणमुखी मुद्रा में ना तो आप बाहर की कोई चीज़ देखते हैं, ना कोई सुनते हैं, और सूंघना भी बहुत ही कम हो जाता है। आप अपने श्वासों को खुद स्वयं नियंत्रण में लेते हैं, इससे आपकी जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो फैसला लेने में आपको बहुत सटीक फैसला लेने में बड़ी मदद मिलती है।